एक बार एक बिजनेसमैन एक आदमी का ढाबा खरीदने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि ये ढाबा तुम कितने में बेचोगे। आदमी बोलता है कि तुम पहले खाना खाओ, उसके बाद पैसों की बात करना। फिर आदमी खाना खाना शुरू करता है। फिर खाना खाने के बाद वो सोचता है कि खाना तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इसकी दुकान ही खरीद लूं। फिर खाना खाकर वो आदमी से पूछता है कि बताओ कितने पैसे लोगे। आदमी बोलता है कि 50 रुपए। बिजनेसमैन चौंक कर बोलता है कि क्या तुम अपनी दुकान को सिर्फ 50 रुपए में बेचोगे। आदमी बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ खाने के बिल की बात कर रहा था। बिजनेसमैन कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपनी दुकान मत बेचो, लेकिन ये बताओ कि तुम खाना इतना सस्ता क्यों देते हो और लोगों को ड्रिंक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री देते हो। आदमी स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है ताकि वो बच्चा अपनी ट्यूशन की फीस भर सके और उन गरीब लोगों के पास पैसे बचे रहे जिससे वो अपने महीने का खर्चा चला सके और वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी में फ्यूल भरवा सके और जो बाहर कुत्ता बैठा है उसे तो कोई खाना भी नहीं देता। फिर वो बिजनेसमैन 50 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना।